पार्थिक रावत नाम है मेरा सर, और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मैं एक बॉलर हूँ सर। मैं इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को पता चला कि मैं वो YSL के बारे में, तो सर मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। फिर सर मैंने खेलने आ गया। मैं क्रिकेट खेलने का शौक़ तो सर पहले से है, फिर खेल के सर अब आगे बढ़ना भी है सर। सर पहाड़ों में ऐसे ग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पर खेत कूद में खेल लेते हैं सर। खेत कूद तो अभी यहाँ पे खेल के कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो सर बहुत अच्छा ग्राउंड है। ऐसा ग्राउंड अगर हमारे साइड हो जाए तो बहुत अच्छा है। उधर की साइड इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है सर, पर फिर भी थोड़ा हम खेल ही लेते हैं। घर में खेलते हैं सर या पहाड़ों में, वो खेतों में खेल लेते हैं सर। यहाँ पे सीधा ग्राउंड था और बॉल बहुत अच्छी जा रही थी। अब गांव में तो सर खेत रहते हैं, फिर बॉल इधर उधर चली जाती है, उतना अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता सर। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड था, और ऐसा ग्राउंड अगर हो जाता उधर तो बहुत बढ़िया था सर। पहले पहले जब रजिस्ट्रेशन किया तो सर डर था कि कहीं फ्रॉड ना हो, पर YSL बहुत बढ़िया लीग है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। इसमें काफ़ी अच्छा, जब देहरादून में हम खेलते थे तो काफ़ी वक्त दिया हमको, चार चार ओवर दिए थे एक बॉलर को, चार चार पाँच बॉलर को, इतना कोई लीग नहीं देती सर। आजकल बहुत सारी लीग हैं ऐसे सर, फ्रॉड है। फिर रहता है सर डर कि कहीं फ्रॉड ना हो, फिर और देखा बाद में सर कि बहुत अच्छी लीग है सर। सर मैं बता दूं तो मेरे घर वाले सर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई से लेकर मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते हैं। जब मैं गांव में रहता हूं तो वो बोलते हैं कि कुछ मत कर, पर तू खेलने जा, तू काम ही मत कर, तू खेलने जा बस, पर तू खेल। फुल सपोर्ट मिलता है सर, तब तो सर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं।